भाई मैंने तो ये ऐप एप्पल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करी है, तो ये 100% सिक्योर है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और अगर मैं इंटरनेट में कुछ भी कर रहा हूँ इनकॉग्निटो मोड ऑन करके, तो किसी को ये पता नहीं चले कि मैं आखिर देख क्या रहा हूँ। और अगर तेरा स्मार्टफोन स्लो चल रहा है तो उसकी रैम बढ़ा दे यार, रैम से आपकी फोन की स्पीड तेज हो जाएगी। तो ऐसे सारे मिथ में अगर आप भरोसा करते हो तो आप गलत हो, क्योंकि ये स्मार्टफोन का एरा है, तो हमारे पास स्मार्टफोन के बारे में एक सही नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में 5.11 बिलियन से भी ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मतलब इस पूरे वर्ल्ड की 65% पॉपुलेशन स्मार्टफोन का यूज़ करती है। तो हमें स्मार्टफोन के बारे में एक सही जानकारी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मिथ बताऊंगा जो आप अभी तक सच मानते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर ऑलवेज गुड फॉर योर स्मार्टफोन, पर अगर आप ये चीज़ सोचते हो तो आप गलत हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा जो भी स्मार्टफोन में अपडेट आता है वो हमेशा गलत होता है, पर हम अभी तक ये सोचते हैं कि अगर स्मार्टफोन में कोई भी नया अपग्रेड आया है, कोई भी सिस्टम अपग्रेड आया है, तो अगर हम इसे अपग्रेड करेंगे तो मतलब हमारा फ़ोन ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो ये भी एक टाइप से मिथ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्मार्टफोन में हमेशा जो भी अपडेट आते हैं उससे आपका फ़ोन तेज चले और ज़्यादा सिक्योर हो। तो इसी के चलते 2017 में एक अपग्रेड आया था, और उस अपग्रेड के बाद एप्पल के जो भी फ़ोन थे वो स्लो हो गए थे, मतलब वो बहुत स्लो चल रहे थे। तो इसी के चलते एप्पल को $113 मिलियन का फाइन भरना पड़ा था, और जिसके बाद एप्पल ने पब्लिकली सबके सामने इस अपडेट के लिए माफ़ी भी मांगी थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी स्मार्टफोन में अपग्रेड आते हैं वो हमेशा आपके लिए ज़्यादा सिक्योर हो, ज़्यादा फास्ट उससे आपका फ़ोन चले। मोर रैम्स मीन्स हाई स्पीड परफॉर्मेंस, अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन अपने किसी दोस्त से पूछा था, तो उसने भी यही बोला था कि अगर आपकी रैम सही है तो फ़ोन की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। पर मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे एक टाइप से शॉक भी लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपकी फ़ोन की स्पीड डिपेंड करती है आपके फ़ोन के प्रोसेसर में, जी हाँ गाइज, तो इसमें रैम का कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल तो आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। अब जैसे आप आईफोन ही ले लो, आईफोन में तो आपको पता है कि हर चीज़ बहुत स्पीड से चलती है, पर फिर भी जो उसकी रैम होती है एक एंड्रॉयड से कम ही होती है। तो अब यहाँ पर आपको ये पता चल चुका है कि आपकी जो फ़ोन की स्पीड है वो रैम पर डिपेंड नहीं करती है, वो आपके प्रोसेसर में डिपेंड करती है। इनकॉग्निटो मोड मींस नो वन कैन ट्रैक योर इंटरनेट एक्टिविटी, तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है। मतलब हम कोई भी अगर चीज़ गूगल में देखते हैं तो उसमें अगर हम इनकॉग्निटो मोड ऑन करके देख रहे हैं तो हमें ये लगता है कि आप इंटरनेट में हम कुछ भी सर्च करेंगे तो वो किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब आप लोग कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इनकॉग्निटो मोड का आखिर हमें फ़ायदा क्या है। तो इनकॉग्निटो मोड में अगर आप कोई भी इंटरनेट देखते हो तो आपको कोई भी जो कुकीज़ होती हैं वो आप अवॉइड कर सकते हो, और जो भी कैच फाइल होती हैं तो वो भी इनकॉग्निटो मोड में अवॉइड होती हैं। तो इनकॉग्निटो मोड का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है। अब इसी के चलते एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी गाइस, तो इस कंट्रोवर्सी का नाम था Xiaomi ब्राउजर इनकॉग्निटो मोड एक्टिविटी। अब यहाँ पर Xiaomi के फोन्स में ये ब्लेम था कि वो जो भी उनके यूजर्स हैं वो अगर इनकॉग्निटो मोड पे अगर देखते हैं तो वो कुछ जो डेटा होता है, आपका पर्सनल डेटा होता है, वो चाइना की कुछ कंपनीज के साथ शेयर करते हैं। तो इस चीज़ पर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है गाइस, और अगर आप यही चाहते हैं कि आपके इंटरनेट एक्टिविटी, आपकी लोकेशन कोई भी ना देख सके, तो आप एक अच्छा VPN यूज़ कर सकते हैं। ऐप क्लियरिंग इन्हांस परफॉर्मेंस, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर हम जो भी आपके फ़ोन में ऐप क्लीनर हैं अगर हम उसका यूज़ करके हम अपने फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छा कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि आज की डेट में स्मार्टफोन इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि आपके फ़ोन को ज़रूरत ही नहीं है इन क्लीनिंग ऐप्स की। तो जो ये भी क्लियरिंग ऐप्स होते हैं ये आपके फ़ोन को परफॉर्मेंस को बूस्ट तो नहीं करते हैं, जबकि ये उल्टा आपकी बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और आपका ज़्यादा डेटा भी लेते हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके फ़ोन में भी कोई भी क्लीनिंग ऐप है तो आप उसे डिसेबल या अनइंस्टॉल कर दीजिए। यू शुड नॉट चार्ज स्मार्टफोन ओवरनाइट, मतलब अगर आप भी अगर ऐसा सोचते हैं कि हमें स्मार्टफोन को रात भर चार्ज में लगाकर नहीं सोना चाहिए जिससे फ़ोन ब्लास्ट हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी गलत है। तो ये फैक्ट तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही निकल के आ सकता है, क्योंकि आज की डेट में स्मार्टफोन इतने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कि अगर आप उसे ओवरनाइट भी चार्जिंग पे लगाकर अगर सोते हो तो आपके फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब आपका फ़ोन 100% फुल चार्ज हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक उसका जो चार्जिंग कनेक्शन होता है उसे कट कर देता है, तो जिसके बाद आपके फ़ोन को कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब आप सोचेंगे यार मैंने तो बहुत सुना है कि फ़ोन ब्लास्ट होते रहते हैं, मतलब चार्जिंग से ये फ़ोन ब्लास्ट हुआ, आप सुना तो ज़रूर होगा, पर मैं आपको बता दूँ वो ओवरनाइट चार्जिंग की वजह से नहीं हुआ है, वो अगर हम गलत चार्जर यूज़ करते हैं, मतलब
अगर हम कोई भी लोकल कंपनी का चार्जर यूज करते हैं तो उससे आपके फोन को जरूर नुकसान होता है, पर ओवरनाइट चार्ज करने से ब्लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप पूरे रात भर भी फोन को चार्ज लगाकर सो सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपके फोन को दिक्कत होगी। मोर मेगापिक्सल मींस बेटर कैमरा, मतलब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे फोन का मेगापिक्सल ज्यादा है तो मेरे कैमरे की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी, तो आप यहाँ पर गलत हैं गाइस। क्योंकि जो कैमरे की पिक्चर क्वालिटी होती है वो बहुत सारी चीजों में डिपेंड करती है, जैसे सेंसर, लेंसेज, सॉफ्टवेयर, इमेजेज, स्टेबलाइजर, प्रोसेसिंग, तो इन सारे चीजों में आपके पिक्चर क्वालिटी डिपेंड करती है। तो अब इसका एग्जाम्पल तो आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे आईफोन ही हम ले लें तो उसका जो मेगापिक्सल था 12 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल ऐसे होते हैं, मतलब फिर भी उसके बाद उनकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बहुत अमेजिंग होती है। पर वहीं हम अगर चाइनीज फोन्स को देखें तो उनके 108 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल ऐसे करके आते हैं, तो इनका जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो जो भी आपके फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी है वो आपके मेगापिक्सल पर ही डिपेंड नहीं करती है, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर फुल नेटवर्क मेरे फ़ोन में होंगे, फुल इंटरनेट नेटवर्क मेरे फ़ोन में होंगे, तो मेरे फ़ोन में जो इंटरनेट स्पीड है, कॉल की जो स्पीड है, वो बहुत स्मूथ होगी, बहुत अच्छे से होगी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि जो फुल नेटवर्क का मतलब ये नहीं होता है कि आपके जो फ़ोन है वो हमेशा अच्छा काम करेगा, मतलब एक स्मूथ चलेगा। आपने बहुत टाइम ये नोटिस भी किया होगा कि इंटरनेट स्पीड अच्छी होने के बाद भी वो बहुत स्लो चलता है। तो जो भी इंटरनेट स्पीड होती है या कॉल की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करते हैं कि एक पर्टिकुलर टावर से कितने यूजर्स उससे कनेक्टेड हैं। जैसे एक पर्टिकुलर टावर से अगर बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं तो आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो स्लो आएगा। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि फुल नेटवर्क का मतलब तो एक स्मूथ इंटरनेट ही होगा। सो आई होप गाइज आपको आज की इस वीडियो से काफी सारे मिथ के बारे में पता चला होगा। तो इस वीडियो को हर एक स्मार्टफोन यूजर्स के पास सेंड करिए ताकि उनको भी ये सारे मिथ के बारे में पता चल सके। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।